आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला में जनजातीय जिलों से पंचायतों से आई कृषक महिलाओं ने उत्साह से अपनी उपलब्धियां बताई। यह आयोजन राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग और जर्मन संस्था GIZ द्वारा किया गया। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के उत्साह वर्धन पर जनजातीय महिलाओं ने विस्तार से आत्मनिर्भर खेती पर चर्चा की। इस मौके पर मीडिया से चर्चा करते हुए प्रहलाद पटेल ने कहा कि आत्मनिर्भर पंचायत मध्य प्रदेश समृद्ध इस नारे के साथ यह 3 दिवसीय कार्यक्रम किया गया है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री और सभी जिला पंचायत का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हम सब मिलकर राज्य को समृद्ध बनाने की पहल करेंगे। आत्मनिर्भर पंचायत समृद्ध मध्य प्रदेश इस नारे के साथ ये 3 दिवसीय अभियान प्रारंभ हुआ था। पहले दिन जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीओ जिला पंचायत और जनपद पंचायत और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्घाटन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे वरिष्ठ मंत्रियों ने इन 3 दिवसीय कार्यशाला में अपना सहयोग दिया। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, विजय साय जी, संपर्किया उइके जी, अदल सिंह कंसाना जी, लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, नरेंद्र पटेल जी और हमारी राज्य मंत्री सम्मानिया श्रीमती राधा सिंह जी। मैं अपने मंत्रालय के सभी अधिकारियों का जिला पंचायत के जिला पंचायत सदस्य से लेकर अध्यक्ष तक और जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को इधर से आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए ना, मैंने पहले भी कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से अनेकों नवाचार करने का काम पूरे देश में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों में नए नए नवाचार हो रहे हैं। तो पंचायत के क्षेत्र में भी आदरणीय प्रहलाद पटेल जी ने अनेकों नवाचार करने का तय किया। ये जो आज का कार्यक्रम है, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम संबंध हुआ है, ये भी अपने आप में नवाचार है कि जब अधिकार जानेंगे, अपने कर्तव्यों को जानेंगे, तभी तो अपनी भूमिका का निर्वाह सही कर पाएंगे जनप्रतिनिधि। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे जो नवाचार है वो लगातार देखने को आपको मिलेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।